ध्यान से सुनना बातों को, सच कह रहा हूं। आज अगर सच कह रहा हूं, ये खुदा ने मुझे एक लाइन लिखाई थी, कहता जिस दिन कलीसिया को इस बात का पता चल गया कि वचन मानने से क्या प्रतिफल है, पास्टर चाहे कहे चाहे ना कहे, कलीसिया फिर भी वचनों को धक्के से पूरा करेगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उन्हें पता इसके आगे ये प्रतिफल है। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन का ये रिजल्ट है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे माँ बाप बच्चों के लिए जानते हैं ना कि बेटा इधर नहीं जाना, तेरे को इस तरफ नहीं जाना है ना, क्योंकि माँ बाप जानता है कि आगे क्या है। हालेलुया, हालेलुया। जब अब्राहम अपने बच्चों को लेके जा रहा है, आप सोचिए किसने कह दिया, यहोवा ने कह दिया अपने बच्चे की क्या कर दे, बलि दे दे। अब बेटे को उठा के चला है, बेटे को उठा के चला है, सोच भी रहा है कि 100 साल बाद दिया और उसे वापस मांग लिया है, समझ से बाहर हो रही है। लेकिन एक बात और याद आ रही है अब्राहम को, क्या खुदा ने उससे वादा किया था कि तेरी संतान इतनी होगी, तारों को देख तू इतनी तेरी संतान होगी, आमीन, इस समुद्र के रेत के कणों को गिन इतनी तेरी संतान होगी। हालेलुया, हालेलुया। एक तरफ खुदा का वो वचन कि तू बलि दे, दूसरी तरफ परमेश्वर का वादा भी दिखाई दे रहा था कि परमेश्वर ने यह भी कहा है कि तारों की तरह तेरी संतान होगी, चल फिर ये काम भी होगा, मेरी औलाद बढ़ेगी, तारों के समान चमकेंगे मेरी औलाद, आमीन। पता था, ये वादा भी किया हुआ है, आमीन। आज आपके लिए खुदा ने क्या वादा किया है, बोला है मेरा वचन तेरे लिए क्या है, दीपक है, तेरे पांव के मार्ग के लिए क्या है, उजाला है। कभी भी खुदा के काम करने से पीछे नहीं हटना, आपको पता है वो आपका दीपक और आपका चानन होगा, आमीन। हालेलुया। जिनको इस बात की समझ, अब्राहम को समझ आ गई थी कि खुदा ने ये भी तो कहा है कि तेरे लिए तेरी संतान इतनी होगी। हालेलुया।